आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काटकर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, दुख नहीं होता, उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है, न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं, उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो, 10,000 के खिलाफ आवाज बुलंद करें। हो सकता है कितने लोगों को बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह को ये भ्रष्टाचार खा रहा है। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काटकर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, दुख नहीं होता, उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है, न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं, उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है, ये सीमावर्ती जिला हमारा, यहां खान भी है, खनिज भी है, तेल भी है, सब कुछ निकला। बाकी मुल्कों में जब रेगिस्तान होता है, वो कहां पहुंच गए हैं? क्या कारण है कि हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ सकता? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया, वहां पर भी तेल है। हेमराम जी, हरीश जी मिलकर यहां पर अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और सही संकल्प लेंगे, यहां पर रोजगार के अवसरों में अगर हम बाड़मेर के नौजवानों को प्राथमिकता देंगे तो क्या गलत बात है? यहां के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारी धरती से तेल निकल रहा है, खान निकल रही है, सब कुछ बदल सकता है। सपना देखने की जरूरत है, सब कुछ तब्दील हो सकता है, कदम उठाने की जरूरत है, सब सपने साकार हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नौजवानों का यह देश, नौजवानों का यह प्रदेश, नौजवानों की ऊर्जा, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी ताकत, इनका देह, ये किसी के मोहताज नहीं है। अवसर चाहिए, प्रतिस्पर्धा बराबर की हो। बाड़मेर का यहां का नौजवान लड़का लड़की दुनिया के किसी देश के लड़के लड़की साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मौका तो मिले, अवसर तो मिले, बराबरी की लाइन में तो खड़ा कर देखें और फिर देखो हमारे बच्चे कहां तक पहुंच सकते हैं। नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस वीरेंद्र धाम से मैं चाहता हूं ऐसे नौजवान बच्चे निकल कर जाए अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर, कलेक्टर बने, SP बने, राजनेता बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, ताकि इस जिले का, इस क्षेत्र का, आप सबका हमारा नाम रोशन हो सके। साथियों, समय किसी के लिए रुकता नहीं, और मुझे खुशी है ओला साहब ने हम सबके हाथ खड़े करवाए, और हेमराम जी ने मुझे कहा कि सुनीता ने भाषण दे दिया, स्वागत भाषण, आप लोग बोल लो, मैं आज भाषण दे नहीं पाऊंगा। और उन्होंने कहा मैं बहुत भावुक हो जाता हूं। मैंने कहा हेमराम जी, ये सब लोग यहां पर आज आपकी दो लाइन सुनने के लिए आए हैं, और मेरे बाद मैंने भी निवेदन किया है, यहां आपसे बोलेंगे, राम राम करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हेमराम जी संकोच करने वाले व्यक्ति है, थोड़ा बहुत इनको हमें धक्का देना पड़ता है। और आने वाला समय आप सबका समय है। आने वाले समय में तमाम संभावनाओं को हमें कामयाब करना है। जो कुरुतियां हमारे अंदर है, आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है कितने लोगों को बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह को ये भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी,
राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, चाहे नगर पालिका का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी पद हो, अच्छे लोगों का चयन आपको करना है। साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आएंगे,